कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मंदिर मस्जिद गिरजाघरों तथा गुरुद्वारे पर करीब 75 दिनों से लगा ताला आज से खोल दिया गया है। धार्मिक स्थलों को लॉकडाउन के पहले दौर में ही पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। पवित्र स्थलों के पट बंद होने से आम श्रद्धालुओं को घरों में ही सीमित व्यवस्थाओं के बीच पूजा अर्चना करनी पड़ी। करीब 75 दिन तक लगी रोक में मिली छूट के बाद राजनांदगांव शहर के सभी धार्मिक स्थल में भक्तों की आवाजाही शुरू हो गई है। इस बीच शीतला मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, जामा मस्जिद, वेस्लियन चर्च और गुरुद्वारे में आज सुबह से ही लोगों ने अपने अपने धर्म के अनुसार प्रार्थनाएं की। इतिहास में यह पहला मौका है जब मंदिरों में घंटियों की आवाज़ सुनाई नहीं दी। वहीं मस्जिदों में सिर्फ फर्ज की नमाज ही अदा की गई। गुरुद्वारों में भी अरदास के बाद चुनिंदा सामाजिक लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब का दर्शन किया। इस तरह चर्च में प्रार्थना टेबल में मात्र 2 लोगों को बैठने की इजाज़त देते हुए पास्टर और फादरों ने गिरजाघरों के ताले खोल दिए। स्थानीय शीतला मंदिर में भक्तों को बिना फूल और प्रसाद के साथ दर्शन करने की छूट दी गई है। घंटियों को कपड़े से बांध दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति घंटी न बजा पाए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्तों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी राज महाराज के मुताबिक मास्क पहनने के बाद ही दर्शन करने की छूट दी गई है। सरकार के तमाम निर्देशों के तहत ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया गया है। वैसे तो मंदिर खुलने पर आज भीड़ तो कम ही है, लेकिन जो आ रहे हैं अपन शासन के निर्देशों का पालन करते हुए जो भी नियम बनाए गए हैं उसका हम लोग पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और मंदिर के तरफ से सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। प्रसाद हम भोग नहीं लगा रहे हैं, वितरण नहीं कर रहे हैं। पूरी घंटियों को हम लोगों ने सैनिटाइजर करके कपड़े से बांध दिया गया है और पब्लिक तो आ रही है, भक्त आ रहे हैं, 2-2 चार चार करके हम उनको अंदर भेज रहे हैं। मास्क पहनना अनिवार्य किए हुए हैं और अंदर जाके बाहर से 2-4 करके हम भेजे जा रहे हैं। शासन की इस व्यवस्था को हम सराहते हैं, उन्हें धन्यवाद। इसी तरह गुरुद्वारे के सेवादार सीटू ने बताया कि सभी नियमों का पालन करते हुए गुरुद्वारे में प्रवेश की अनुमति दी गई है। नियमों का पूरा पालन करने श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है। इधर वेस्लियन चर्च के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन लाल ने बताया कि प्रार्थना टेबल को सैनिटाइज किया जा रहा है। सरकार के निर्देश के अनुसार 2 लोगों को टेबल में बैठने की अनुमति दी जाएगी। डॉक्टर लाल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन प्रार्थना हुई है। चर्चों को खोलने से सामाजिक लोगों को राहत मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि चर्चों में भीड़ जमा ना हो इसका भी ख्याल रखा जाएगा। शासन के निर्देशों का हम पालन प्रारंभ से ही करते आ रहे हैं। 22/3/2000 से लेकर अभी तक हमने अपने चर्च के गेट को खोला नहीं और ऑनलाइन के माध्यम से ही हम अपने लोगों को प्रभु यीशु मसीह का संदेश उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। जबकि शासन का निर्देश आया है कि आप 8 तारीख से मंदिर मस्जिद गिरजा और गुरुद्वारा खुल जाएंगे, तो हम भी अपने चर्च को खोल कर सैनिटाइजर करेंगे और उसके पश्चात 14 तारीख को जो हमारा संडे का दिन होता है उस दिन हम चर्च को प्रारंभ करेंगे और शासन के जो भी निर्देश हैं सैनिटाइज करने का, चर्च को मास्क पहनने का और प्रत्येक सदस्यों को दूरी पे बैठा के, जैसे हम चाहते हैं कि हम एक बेंच में सिर्फ केवल 2 ही लोगों को बैठाएं और अपनी आराधना प्रारंभ करें, और हम ये भी चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर उपस्थित ना हों, बाकी लोग घर में ही बैठ कर ऑनलाइन के माध्यम से जैसे वचन अभी तक सुनते आ रहे हैं वैसे ही सुनकर शासन के निर्देशों का पालन करेंगे। गौरतलब है कि धार्मिक स्थलों में 10 साल से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। जिला प्रशासन की ओर से धार्मिक स्थलों के कई विशेष गाइडलाइन जारी किए गए हैं। इसी तरह गिरजाघरों के लिए भी सरकार ने प्रार्थना के दौरान नियमों का सख्त पालन करने का निर्देश दिया है। चर्चों में रविवार को साप्ताहिक प्रार्थना के लिए जुटने वाले सामाजिक बंधुओं को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही प्रवेश दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी धार्मिक स्थलों पर नियमों को लेकर लापरवाही बरतने पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। इसके लिए प्रशासन की एक अलग टीम धार्मिक स्थलों पर नजर बनाए रखेगी। देश टीवी के लिए राजनांदगांव से प्रदीप मेश्राम की रिपोर्ट।